कन्नौज जिले के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान चुनाव में बांटी जाने वाली हजारों लीटर नकली शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये नकली शराब प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रमों में भरकर एक मकान में छुपाकर रखी गई थी। पुलिस ने इस कार्यवाही में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस इसे निकाय चुनाव की घोषणा के बाद मिली बड़ी कामयाबी बता रही है। मामला गुरसहायगंज कोतवाली के शास्त्री नगर का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ एक मकान में नकली शराब की फैक्ट्री संचालित है, जो नकली शराब बनाकर असली कंपनी के रैपरों में भरकर जिले में सप्लाई की जाती है। सूचना पर पुलिस ने वहाँ छापेमारी की तो लगभग 20 ड्रमों में हजारों लीटर नकली शराब बरामद की गई। वहीं अवैध शराब का कारोबार करने वाले 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रात लगभग 12 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर एसओजी और थाना गुरसहायगंज की संयुक्त टीम द्वारा शास्त्री नगर में अनंत कुमार गुप्ता पुत्र श्री राकेश चंद गुप्ता के घर जो है 900 लीटर नकली शराब बनाने का केमिकल बरामद किया गया और 2-4 पहिया वाहन भी बरामद हुए हैं। इसमें 4 लोग गिरफ्तार भी किए हैं। पुलिस की ये कार्यवाही तो अच्छी थी और बड़ी भी, किंतु क्या पुलिस हमेशा ही ऐसे मुस्तैद रहेगी और चुनाव में गलत कार्यों को रोक पाएगी? कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।